हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। शिवांश बताएगा अपनी वॉइस में। मतलब कितने दिनों का ड्रीम है, मतलब मैं कितने दिनों से सोच रही थी। हे फैमिली, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोई हुई थी, तो शिवांश को देखिए टेबल पे एक बिस्किट पड़ा हुआ था। मेरा बच्चा खुद से जाके बिस्किट उठा के और वो मेरा बिस्किट वो खा रहा था। मेरा सोना बेटू शिवांश, ये मेरा बच्चा, भूखो लगी है बेटू को, भूखो लगी है मैं बच्चे को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल, प्रणाम सलाम, केम छो एंड भोजपुरी बोले तो कैसे बानी रहे सब। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो बहुत से लोगों का ये शिकायत था कि भैया बाल पे बहुत ज्यादा हाथ डालते हो, तो आप लोगों की शिकायत दूर हो गई एंड फाइनली मैं ठगा हो चुका हूँ। एंड चलो मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी का सीन ये है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं हाजीपुर। जाने की वजह ये है कि आप दिखाता हूँ आपको, इतने सारे ये डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी हम लेके जा रहे हैं और क्या वजह है वो आपको पता चलेगा ब्लॉग देखने के बाद। तो ब्लॉग कंटिन्यूअस देखना, एंजॉय करना, आई होप बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलते हैं, बाकी सारा क्लियर कर देंगे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और कौन कौन जाने वाला है। हे फैमिली, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। शिवांश बताएगा अपनी वॉइस में। अभी तो हम जा रहे हैं अपने पासपोर्ट्स बनवाने और ये मतलब कितने दिनों का ड्रीम है, मतलब मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि कब पासपोर्ट बने। मैंने इनको हजारों बार बोला है कि प्लीज पासपोर्ट बनवा दीजिए बनवा दीजिए, और उनका तो पहले से बना हुआ है, मेरा नहीं है। और हमारा नन्हा मुन्नू इसका भी नहीं है, तो इसका भी बनेगा, मेरा बनेगा। ड्रीम ही होता है कि हाँ आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है ये कि हाँ आप बाहर जा सकते हैं। और तो अभी तो एक प्रोसेस पे हम लोग जा रहे हैं और नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा। तो फिर आई एम सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बैठ चुके हैं कार में और टाइम हो रहा है अभी 1:09 एंड अभी तक भाई रेडी नहीं हुआ है, वो रेडी हो रहा है और हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो बुक हुआ है वो शिवांश का है 2:15 का। तो सबसे पहले काम ये है कि हमें हाजीपुर पहुंचना है। हाजीपुर पहुंचने में हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे टाइम लगेंगे, बट कुछ प्रिंट आउट करवाने, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट होता है प्रक्रिया समझा देंगे वीडियो के लास्ट में कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे हमें कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और घर का प्रमाण पत्र, मतलब ये आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए 10th इंटर का, ये सब कुछ लगता है। फिलहाल हम अभी इसे लेके चलते हैं। ये नीचे जा चुके हैं, कार निकाल रहे अभी और फिर हम लोग चलेंगे घूमी घूमी करने में। और आई एम सो एक्साइटेड, मतलब कब से कह रही थी इनको, हमेशा हमेशा कहती थी इनको प्लीज़ मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए, आपका तो पासपोर्ट है, आप तो जब चाहे अगर मन करेगा तो आप अकेले ही निकल जाइएगा, मेरा रहेगा तभी तो मैं कहूँगी ना कि हाँ मैं भी जाऊँगी। और ये एक बार तो पहले घूम भी चुके हैं, तो अगर दोबारा अगर जाने को मिला इनको तो ये तो अकेले ही भाग जाना है इनको। तो फिर मैंने कितनी बार ज़बरदस्ती कह के तब मैं अपना बनवा रही हूँ पासपोर्ट, और मैं अपना बनवा रही हूँ तो शिवांश का कैसे छोड़ सकती हूँ। शिवांश ये तो मेरी जान है, इसको कैसे छोड़ दूँ। हमारे साथ गोलू जी भी जा रहे हैं, उनका भी पासपोर्ट बनने वाला है और काफ़ी टाइम लेट तो हो गया हमें, और मेरा मन नहीं कर रहा था, मतलब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इस वजह से थोड़ा और लेट हो गया। निकाल रहे हैं और हम लोग अभी घर में ही हैं। चलिए पापा पास, पीपीप से, पीपीप से चले पापा पास, चलोगे शिवांश? इस बेचारे को पता भी नहीं है मेरा पासपोर्ट बनने वाला है, नहीं तो थोड़ा सा पता होता, थोड़ा सा समझने लायक होता तो कितना खुश होता। निकल पड़े हैं हाजीपुर के लिए, फाइनली सभी लोग रेडी होके आ चुके हैं और कैसे लग रहे हैं वैसे टकला में हम लोग बताइएगा आप लोग, और टकला गैंग पूजा कैसे लग रहे हैं? वैसे अच्छा लग रहा है हमको, आपको लग रहा है कि ये भी लुक मेरा काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें सबसे पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है ना उसके प्रिंट आउट हमें लेने हैं, तो प्रिंट आउट लेने के लिए हमें लालगंज में रुकना पड़ेगा एंड वहां से हम लोग प्रिंट आउट लेके फिर जाएंगे हाजीपुर पासपोर्ट ऑफिस। अभी मैंने कुछ मंगाया था पार्सल, वो रिसीव हुआ है, क्या है इसमें, क्या है इसमें, खोलने के बाद क्या, खोलने के बाद क्या, बड़ा सुंदर लग रहा है, कहीं खड़ा हो या टूट ना जाए ना।
शिवांश आ जाए, इसका द एंड कर देगा। किसको बुला रहे बेटा? किसको बुला रहे शिवांश? किसको बुला रहे शिवांश? दादी को घर पे छोड़ के आ गया। दादी 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 कर रहा है। दादी की गोदी में था, क्यों आया तुम लालगंज में? सीन ये है कि जो डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट आउट करवाने थे, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट के लिए हमने दे दिया है। भाई अभी प्रिंट आउट करवा रहा है, जल्दी से आ जाए, इसके बाद हम निकलते हैं। पासपोर्ट वाला फैमिली, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पासपोर्ट ऑफिस। और हमें काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज लेने थे इस वजह से भी, और हम लोगों ने भी लेट कर दी थी इस वजह से भी। और अभी अच्छा हो कि ट्रैफिक ना आए और हम जल्दी से पहुँच जाए। कितनी दूर है अभी? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अभी हमने शुभम को और पूजा को भेज दिया है पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि हमें पार्किंग लगाने के लिए गाड़ी, क्योंकि हमें कार को पार्क करने के लिए दूर आना था, तो हमने यहाँ पे कार को पार्क किया है। अभी यहाँ से चलेंगे पैदल पासपोर्ट ऑफिस एंड बाकी देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। ऑफिस गया था जस्ट अभी और हमें वहाँ पे टाइम लगने वाला है 1 घंटे का। और अभी कुछ फॉर्म था बाबू के लिए, आपको दिखाते हैं क्या क्या फॉर्म है। ये फॉर्म है CD, ये दोनों फॉर्म फिलअप करना है छोटे बच्चे के साथ। हमें कितना टाइम लगने वाला है? और मुझे अभी लगभग 10 से 15 लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स से 1 घंटे हमें टाइम लगने वाला है। इतनी है ना कि वाट लगी पड़ी है, और इस ग्रुप में मुझे लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ा है, और 1 किलोमीटर के बाद मैंने फॉर्म जो भी था ऑनलाइन फाइबर कैप से निकाला है। हे फैमिली, तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा पासपोर्ट नहीं बना और यहाँ की सर्विस काफ़ी बेकार है यहाँ पे। हे फैमिली, कड़ी वाली धूप है और इस धूप में शिवांश को गोदी में लेके हम घूम रहे हैं, और हमारा आना आज का पूरा व्यर्थ हो गया, पोपट हो गया। अच्छा वाला बताते हैं आपको, बाकी हम कार में जाके बताएंगे आपको। इतनी धूप है ना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या बोले, तो चलते हैं और बाकी बातें कार में करते हैं। बोलो बोलो। हमारी गाड़ी यहाँ पार्किंग है, और जहाँ से हमें गाड़ी निकालना है ना, वहाँ पे एक बाइक वाले भैया ने लगा दिया है। हॉट हो गई है, स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले ऑटो एसी। हुआ कि आज हमारा पासपोर्ट ऑफिस में काम नहीं हुआ, एक तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था, और रह रहा कि वहाँ का जो भी था सर्वर चला जा रहा था, कभी कैमरा जिससे पिक्चर लेना था फोटो वगैरह वो काम नहीं कर रहा था। 4 बज रहा है, हम लोग घर निकलते हैं, और इस वजह से हम अब नेक्स्ट डेट लेके पासपोर्ट ऑफिस आएंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, तो चलते हैं। बाकी अभी कि अभी हमने लिया रास्ते में लिया समोसे, एंड ये रही यहाँ पे लस्सी, एंड पीछे चल रही है क्या खा रहे हो? छेना। अभी ये पीछे चला है स्पंज, एंड बाबू बैठ के देख रहा है मोबाइल। हाजीपुर से लालगंज जाएंगे ना हम, हाजीपुर बोल रहे हैं, हाजीपुर से हाजीपुर थोड़ी जाएंगे। और अभी रास्ते में एक बहुत ही गंदा वाला सीन ये हुआ कि इसको देख सकते हैं शुभम को, ये समोसा खा रहा था, एंड समोसा खाते खाते चटनी देख सकते हैं क्या किया है, चटनी खोल के इसने प्लेट में डाला था, एंड वो चटनी का प्लेट जो है उलट गया, एंड इसको पता भी नहीं चला, और धीरे 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 वो सीट पे फैलते फैलते पूरा पैंट में इसका चटनी लग गया। इसलिए बाकी टॉवेल था एक कार में, इसने टॉवेल से साफ तो कर लिया है, बट घर जैसे आते इसको पैंट चेंज करना पड़ेगा अभी। हे फैमिली, तो अभी शिवांश के नानी का घर चला गया, और शिवांश रो रहा है अपने नानी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन अभी उतारे नहीं है, इतने खरूस पापा है इसके, नानी से मिलने क्यों नहीं दिए, रो रहा है बेचारा। नानी के नाम का जाप कर रहा है, नाना नाना बोल रहा है, लड़का नाना नाना बोल रहा है, मारेगा पापा को। और हे फैमिली, बहुत दुख की बात है कि हम तीनों का पासपोर्ट नहीं बना, और इनका बना हुआ था, तो इन्होंने कहा कि चलो चलो बाद में बनवा देंगे, ये है काम वो है काम, और हमारा पासपोर्ट टाल दिया आपने ना। हे फैमिली, बोलिए। आपको पता चलेगा घर पे जाने के बाद, एक्चुअली सीन ये है कि आज घर पे पगड़ी चद्दर है और भोज भात है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे अंकल डेथ कर गए थे, तो
उनका जो जो भी विधिवत होता है ना रिचुअल्स वगैरह वो आज कंप्लीट होने वाला है, तो इस वजह से हम ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकते थे। मुझे लगा कि 15-45 मिनट बहुत से बहुत मुझे 40-45 मिनट वहाँ टाइम देना होगा, क्योंकि मैंने जब पासपोर्ट अप्लाई किया था ना तो मतलब आज का डेट ही हमें मिला था और हमें पता नहीं था कि डेट पे ऐसा होने वाला है, चाहे ऐसा आज का इतना बिजी शेड्यूल होने वाला है। और हम वहाँ गए तो आपको पता है कितना ज्यादा मुझे लग रहा था ना कि रात तो हो ही जाता वहाँ पे बनते बनते, है ना, और वो भी बनता कि नहीं बनता वो भी कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कभी कैमरा खराब हो जा रहा था, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा था। ऐसे ना हाजीपुर में वहाँ भी जस्ट साल भर पहले ही पासपोर्ट सेवा चालू हुआ है, मतलब वहाँ से पासपोर्ट का जो वर्क होता है वहाँ से होने लगा है। जैसे पहले हम लोगों को पटना जाना पड़ता था और नहीं तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था। घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं, फुआ जी आई हुई है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। बाकी आपको वहाँ का जो भी विधिवत होगा वो सब दिखाते हैं, चलते हैं फिर।